नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 21 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। CISCE ने 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन देने की कही बात। बिहार में अब अस्पतालों का होगा निरीक्षण। बिहार में सरकारी विभागों को अब 4 महीने पर देना होगा खर्च का हिसाब। 2 सदस्य कमेटी करेगी COVID-19 अस्पतालों का निरीक्षण। सुशांत सिंह राजपूत पर फिल्मों के खिलाफ अदालत में दायर की गई याचिका। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। COVID-19 मरीजों को राहत देगा बिहार सरकार का संजीवन ऐप। बिहार में COVID-19 मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि इन सबके बीच एक और समस्या जो सामने आई है वो है अस्पतालों में बेड की अनुपस्थिति, जिसके कारण मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के बीच चक्कर लगाने में काफी समय गुजर जा रहा है। हालांकि अब आपकी मदद के लिए संजीवन ऐप सामने आया है। इस ऐप की मदद से आप किसी भी अस्पताल में बेड मौजूद है किसमें नहीं है इस बात की जानकारी ले सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें, संजीवन मोबाइल ऐप के माध्यम से निकटतम COVID-19 सेंटर तथा डेडिकेटेड COVID-19 हेल्थ केयर सेंटर में उपलब्ध बेड की जानकारी मिलेगी। साथ ही विभाग के डेटा एंट्री ऑपरेटर को अद्यतन जानकारी को फिट करने का निर्देश भी दिया गया है। बिहार में COVID-19 की स्थिति दिन प्रतिदिन हो रही और ज्यादा खराब। बिहार में COVID-19 की परिस्थिति दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब होती जा रही है। बीते दिन के पिछले 24 घंटे की बात करें तो बिहार में कुल मिलाकर 10,455 मामलों की पुष्टि हुई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 56,354 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 89, अरवल में 146, औरंगाबाद में 350, बांका में 65, बेगूसराय में 346, भागलपुर में 449, भोजपुर में 157, बक्सर में 232, दरभंगा में 81, ईस्ट चंपारण में 168, गया में 1081, गोपालगंज में 118, जमुई में 156, जहानाबाद में 180, कैमूर में 52, कटिहार में 228, खगड़िया में 88, किशनगंज में 87, लखीसराय में 103, मधेपुरा में 153, मधुबनी में 114, मुंगेर में 317, मुजफ्फरपुर में 544, नालंदा में 375, नवादा में 150, पटना में 2,186, पूर्णिया में 294, रोहतास में 140, सहरसा में 163, समस्तीपुर में 157, सारण में 530, शेखपुरा में 72, शिवहर में 42, सीतामढ़ी में 66, सिवान में 228, सुपौल में 144, वैशाली में 334, वेस्ट चंपारण में 232 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 39 ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन उनका सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किया गया है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 3,577 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस लौटे हैं, जिसके बाद अब तक कुल मिलाकर ठीक हुए मरीजों की संख्या 283,863 पर पहुंच गई है। बिहार के पावापुरी के जल मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। जल मंदिर या जल मंदिर भारत के बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। यह जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और मंदिर भगवान महावीर के 24वें तीर्थकार यानी कि जैन धर्म के धार्मिक उपदेशक को समर्पित है, जो उनके दाह संस्कार के स्थान को चिन्हित करता है। महावीर ने 527 ईसा पूर्व पावापुरी में निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त किया। मंदिर मूल रूप से महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन द्वारा बनाया गया था, जो तालाब के भीतर लाल रंग के कमल के फूलों से भरा हुआ था। यह पावापुरी के 5 मुख्य मंदिरों में से एक है, जहां महावीर की चरण पादुका या पादक्षेप अंकित है। COVID-19 संक्रमण से बचाव के लिए ग्रामीण परिवार को 6 मास्क और साबुन देगी सरकार। COVID-19 संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के घर परिवार को 6-6 मास्क और 1 साबुन मुफ्त में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा कर दी है। इसके बाद विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि गाँव में हर परिवार को मास्क और साबुन वितरण को लेकर जल्दी दिशा निर्देश जिला को विभाग जारी कर देगा, ताकि जल्द से जल्द हर परिवार को सरकार द्वारा यह दोनों उपलब्ध करवाया जा सके। इसके पीछे मकसद यही है कि हर व्यक्ति मास्क का उपयोग जरूर करे और हाथों को भी साबुन से नियमित रूप से धोते रहे। CISCE ने 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन लेने की कही बात। कोरोना के बढ़ते माहौल का असर एक बार फिर से शिक्षा व्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। CBSE की तरफ से 10वीं की परीक्षा रद्द और 12वीं की परीक्षा स्थगित करने के फैसले के बाद अब CISCE ने भी अपना फैसला सुनाते हुए 10वीं की परीक्षा को रद्द और 12वीं की परीक्षा को ऑफलाइन माध्यम से लेने का फैसला सुनाया है। हालांकि बोर्ड की तरफ से पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके अनुसार कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए परीक्षा वैकल्पिक रखी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जो विद्यार्थी परीक्षा देना चाहते हैं वो कक्षा 12वीं छात्रों के साथ परीक्षा में भाग ले सकते हैं और जो नहीं देना चाहते हैं उनके लिए विशेष मूल्यांकन पद्धति से नतीजों की घोषणा की जाएगी। 9 साल बाद बन रहा पंचग्रहीय शुभ संयोग। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन रामनवमी बुधवार को मनाई जा रही है। हालांकि COVID-19 को लेकर सार्वजनिक आयोजन तो नहीं हो रहा है, लेकिन बिहार में इस पर्व के दिन सार्वजनिक अवकाश जरूर है। ग्रह गोचर का शुभ संयोग बन रहा है। नौ साल के बाद पंचग्रहों का शुभ संयोग होने से रामनवमी की महत्ता और ज्यादा बढ़ गई है। धार्मिक गुरुओं के अनुसार भगवान श्रीराम का जन्म कर्क लग्न और अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 बजे हुआ था। इस बार के रामनवमी की पूजा में अश्लेषा नक्षत्र लग्न में स्वर्ग
रही चंद्रमा सप्त भाव से स्वग्रही शनि दशम भाव से सूर्य बुध शुक्र है। कोरोना के कारण कम्युनिटी हॉल मैरिज हॉल में बुकिंग हुई रद्द। कोरोना ने बिहार में अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते असर के कारण ही अब बिहार में शादियां टाली जा रही है। यही कारण है कि जैसे जैसे मामलों में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे कम्युनिटी हॉल और मैरिज हॉल की बुकिंग कम होती जा रही है। आलम यह है कि अप्रैल महीने से शुरू होने वाले लगन की आधी से ज्यादा बुकिंग रद्द हो चुकी है। कम्युनिटी हॉल मैरिज हॉल संचालकों के पास प्रतिदिन ऐसे दर्जनों से ऐसे सारे लोग अपने परिवार में होने वाली शादियों की तारीख नवंबर और दिसंबर में शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए मैरिज हॉल को दिए गए ₹1000 का एडवांस अगले डेट से समायोजित कराने का आग्रह किया गया है, जिसके कारण लगभग 50 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे नीतू चंद्रा की। नीतू चंद्रा का जन्म बिहार के पटना जिले में 20 जून 1984 को हुआ था। नीतू चंद्रा एक भारतीय अभिनेत्री, निर्माता और थिएटर कलाकार है। वो एक स्थापित शास्त्रीय नृत्यांगना और एक सक्रिय खिलाड़ी भी है, जो NBA और ताइक्वांडो के साथ अपने घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से देश में बास्केटबॉल के प्रचार में शामिल है। चौथे डैन ब्लैक बेल्ट है। इसके साथ ही उनका अपना प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम चंपारण टॉकीज है, जिसमें फिल्म मिथिला मखान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म का निर्देशन उनके भाई नितिन चंद्रा ने किया था। बिहार के कई जिलों में एक दो दिनों बाद गर्मी से मिल सकती है राहत। बिहार में गर्मी का असर पड़ने लगा है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। फिर भी 24 घंटे में पटना सहित राज्य के दक्षिण, मध्य और दक्षिणी पश्चिम जिलों में पछुआ हवा की रफ्तार तेज देखने को मिली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर मौसम का तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में देखने को मिलेगा। इसी बीच में चक्रवाती संरक्षण के भी आसार बन गए हैं। विभाग में अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले 48 से 72 घंटों के अंदर कई जिलों में गरज के साथ साथ बारिश हो सकती है। विभाग का मानना है कि तेज हवा और बारिश वजह से कई इलाकों में मौसम के तापमान में एक बार फिर गिरावट महसूस की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग और लोगों का मानना है कि मौसम के तापमान में होने वाले उतार चढ़ाव की वजह से मौसम में घातक COVID-19 को बढ़ावा मिलेगा। BPSC ने जारी किया एडमिट कार्ड। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत UPSC ने 25 अप्रैल को ऑडिटर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। हालांकि COVID-19 के बढ़ते हालात को देखते हुए परीक्षार्थी एडमिट कार्ड मिलते ही BPSC के रवैये से नाराज नजर आए हैं और परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, विज्ञापन संख्या 67/2020 के तहत आयोग ने पंचायत ऑडिटर की परीक्षा का विज्ञापन निकाला था, जिसमें राज्य भर के लगभग 2 लाख परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा था। 2 सदस्य कमेटी करेगी COVID-19 अस्पतालों का निरीक्षण। बिहार में जिस तरीके से COVID-19 की स्थिति भयावह होती जा रही है, उस तरीके से सरकार भी काम करने में जुट गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार में COVID-19 अस्पतालों के निरीक्षण पर रिपोर्ट देने को कहा है। एम्स के डायरेक्टर और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को यह दे दिया गया है। कोर्ट ने इसे 2 सदस्यीय कमेटी को मंगलवार को NMCH का दौरा कर रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही इस कमेटी को COVID-19 अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने का अधिकार दिया है। कोर्ट ने राज्य में स्थायी ड्रग कंट्रोलर नहीं रहने पर सवाल उठाते हुए सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है। बिहार में सरकारी विभागों को अब 4 महीने पर देना होगा खर्च का हिसाब। वित्त विभाग ने सरकार की तरफ से चालू वित्त वर्ष में ढेर सारे एहतियात के साथ धन खर्च करने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत ये 4-4 महीने के लिए खर्च की समय सीमा तय की गई है। इसका मतलब साफ है कि सीमा से कम या अधिक धन खर्च नहीं किया जा सकता। वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही सभी अपर मुख्य सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी और कोषागार पदाधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित संवैधानिक संस्थाओं को बंधन से मुक्त रखा गया है। बिहार में अनाज भंडारण के लिए बनाए जाएंगे नए गोदाम। बिहार में अनाज भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार अब जुट गई है। इसके तहत इसी साल नए गोदाम का निर्माण किया जाएगा। जानकारों की माने तो इस नए गोदाम को बनाने में 50 करोड़ का खर्च हो सकता है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने नए गोदाम के निर्माण के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है कि 30 अप्रैल तक जिलों में नए गोदाम के निर्माण को लेकर कार्य योजना उपलब्ध करवाई जाए। इसके बाद यह तय होगा कि किस जिले में कितने गोदाम का निर्माण कराया जाएगा। अनाज गोदाम का निर्माण करने के बाद सरकारी स्तर पर किसानों से अनाज खरीदने में भी सहूलियत होगी। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 80% गोदाम का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत पर फिल्मों के खिलाफ अदालत में दायर की गई याचिका। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने जब से दुनिया को अलविदा कहा है, तब से ही उनके ऊपर जीवनी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि इस बाबत उनके पिता कृष्णा सिंह ने अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से दायर एक याचिका पर अभिनेता की जिंदगी पर आधारित विभिन्न प्रस्तावित और आगामी फिल्मों के निर्माताओं को नोटिस जारी किया है। याचिका में राजपूत के पिता ने फिल्मों में उनके बेटे के नाम से या फिर उससे मिलते जुलते पात्रों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने फिल्म निर्माताओं को नोटिस जारी कर उनसे 24 मई तक याचिका पर जवाब मांगा है। इतना ही नहीं, जारी की गई याचिका में कुछ आगामी फिल्म और प्रस्तावित कदमों का भी जिक्र किया गया है, जो सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित है।
एनटीपीसी के 29 कर्मचारी और उनके 35 परिजन मिले पॉजिटिव। कोविड-19 इस बार भयानक रूप में नजर आ रहा है। इस बार पिछली बार के मुकाबले इस बार तेजी से अपनी चपेट में कई लोगों को लेता जा रहा है। इसी क्रम में एनटीपीसी में 29 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। ना ही इन कर्मचारियों के 35 परिजन भी कोविड-19 की चपेट में आ गए हैं। एनटीपीसी के अनुसार कंपनी के पूर्वी क्षेत्र के 10 परियोजनाओं में करीब 200 कर्मचारी संक्रमित है। इन परियोजनाओं में से 6 बिहार में है, बाकी पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। इसके साथ ही छपरा सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी करने वाले कई चिकित्सक भी पॉजिटिव हो गए हैं। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भाजपा ने जारी किया 17 सूत्री अभियान। कोविड-19 बिहार में भयावह तरीके से बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब इसके रोकथाम के लिए सरकार भी पूरी तरीके से सजग दिखाई दे रही है। इसी क्रम में भाजपा ने 17 सूत्री अभियान की शुरुआत की है। भाजपा ने सेवा ही संगठन अभियान 2 की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी महत्वपूर्ण शहर केंद्रों पर 24 घंटे हेल्पलाइन की स्थापना कर लोगों को आवश्यकता अनुसार बेड और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाएगी। इसके साथ ही संक्रमित परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था, ब्लड तथा प्लाज्मा डोनेशन कैंप की व्यवस्था, बुजुर्गों तथा जरूरतमंदों तक दवाई और अन्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए विशेष कार्यकर्ता की नियुक्ति, जागरूकता बढ़ाना, इसके साथ ही कोरोना मुक्त अभियान का संचालन, प्रवासी मजदूरों की हर संभव सहायता और मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण कार्य शामिल है। बिहार में कोविड गाइडलाइन तोड़ने पर 7.24 लाख वसूला गया जुर्माना। कोविड-19 को लेकर तमाम तरह की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो गाइडलाइन का पालन करना जरूरी नहीं समझते। ऐसे लोगों पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती हुई नजर आई। सिर्फ पहले दिन में ही कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों से 7.24 लाख रुपए की वसूली की गई है। लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि 2 पर मामला दर्ज किया गया है। इस दौरान पुलिस ने 385 वाहनों को जब्त किया है। अगले एक सप्ताह तक लालू यादव की जमानत नहीं होगी संभव। लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने राहत देते हुए भले ही जमानत दे दी है, लेकिन अगले एक सप्ताह तक रिहाई टलता नजर आ रहा है। लालू के वकील प्रभात कुमार ने बताया है कि लालू की जमानत से जुड़े बेल बॉन्ड को अभी तक नहीं भरा जा सका है। उन्होंने बताया कि झारखंड बार एसोसिएशन के सभी वकीलों ने कोविड-19 के कारण काम बंद कर दिया है, जो इस पूरे सप्ताह तक जारी रहेगा। ऐसे में उनके जमानत से जुड़ा बॉन्ड अगले सप्ताह सोमवार को ही भरा जा सकेगा, जिसके बाद ही उनकी रिहाई संभव हो सकेगी। बिहार पंचायत चुनाव में 15,000 नहीं बल्कि 1,00,000 ईवीएम से होगा चुनाव। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर लगातार कयासों के बाजार गर्म दिखाई दिए। हालांकि यह पंचायत चुनाव के आयोजन का रास्ता साफ होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं अब मिली जानकारी के अनुसार इस बार पंचायत का आयोजन 1,00,000 ईवीएम के माध्यम से करवाया जाएगा। खबरों की माने तो बिहार पंचायत चुनाव अब मॉडल 2 ईवीएम मशीन से कराया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से इसकी सहमति मिल गई है। वहीं बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव के लिए करीब 1,00,000 मशीन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही राज्य चुनाव आयोग ने सभी डीएम से चुनाव कराए जाने को लेकर सुझाव भी मांगे हैं। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बीच उपमुख्यमंत्री ने दिया बयान। देश में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में भी आए दिन संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है, वहीं अब उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो संसाधन है या केंद्र सरकार के सहयोग से भी जो आवश्यक कदम उठाने के सारे आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। ऑक्सीजन की व्यवस्था है, अभी सबसे अहम कोविड-19 की चेन को तोड़ना है। जरूरत पड़ी तो और जरूरी कदम भी उठाए जा सकते हैं। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बाद झारखंड समेत अन्य राज्यों ने जारी किए कड़े नियम। कोविड-19 के कारण कई राज्यों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इसमें राजधानी दिल्ली में ही लॉकडाउन का फैसला सुनाया गया था, जिसके बाद बीते दिन झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, जिसके तहत झारखंड में 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है, राज्य में 8 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया गया। इसके साथ ही राजस्थान के गृह विभाग ने यह भी कहा है कि कोरोना के हालात के मद्देनजर पूरे राज्य में 22 अप्रैल से 21 मई तक धारा 144 लागू की जाएगी। वहीं तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। कोरोना महामारी के तेज प्रसार के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने कहा है कि जनहित में शनिवार और रविवार को सभी शहरी इलाकों में पाबंदियां लगाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच भोपाल, इंदौर और उज्जैन शहर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। लोधी राजवंश का संस्थापक बहलोल खान लोधी 1451 में दिल्ली का शासक बना। मुगल साम्राज्य का शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी की जान गई थी। भारतीय वायुसेना के संजय थापर को 1996 में पैराशूट के जरिए उत्तरी ध्रुव पर उतारा गया था। बांग्लादेश में भारतीय जवानों की जान लेने पर 2001 में भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। 1924 में 1961 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भारत के पहले निशानेबाज सिंह का जन्म आज के दिन हुआ था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले कवि मोहम्मद इकबाल का 1938 में आज के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था।
अब आसान स्टेप से पहुंचे अपने पास के टीकाकरण केंद्र पर। सरकार वर्तमान समय में टीकाकरण के लिए तीसरे चरण में है। कई लोगों को अपने निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर का पता लगाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यह काफी आसान प्रोसेस है। सबसे पहले cowin.gov.in पर जाएं, फिर होम पेज को नीचे की तरफ स्क्रोल करें। यहां आपको फाइंड योर नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर का विकल्प दिया होगा। इस विकल्प के नीचे भारत का मैप मौजूद होगा। यहां पर आप अपने क्षेत्र को सिलेक्ट करें। जैसे ही आप अपना क्षेत्र सिलेक्ट करें, आप देख पाएंगे कि कहां कहां पर वैक्सीनेशन सेंटर है। वहीं ज्यादा बेहतर सर्च के लिए आपको बराबर में दिए गए करंट लोकेशन के टैब पर अपना क्षेत्र डालना होगा और गो पर टैप करना होगा। आप अपने पिन कोड डालकर भी वैक्सीनेशन सेंटर का पता लगा सकते हैं। शुभमन गिल को तोहफे में मिली महिंद्रा थार। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपने शानदार प्रदर्शन से टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाने में मदद करने वाले बल्लेबाज शुभमन गिल को उनका तोहफा मिला है, जिसके तहत ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा ने महिंद्रा थार उनको गिफ्ट में दी है। शुभमन गिल इन दिनों आईपीएल खेलने में व्यस्त है, ऐसे में उनके परिवार ने यह एसयूवी रिसीव की है। हालांकि गिल ने ट्विटर पर अपनी खुशी जाहिर की और नई महिंद्रा थार की तस्वीर पोस्ट की है। उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि यह महिंद्रा थार हासिल करना शानदार एहसास है। आनंद महिंद्रा सर, मैं आपका आभारी हूं और इस गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत के लिए खेलना एक सम्मान की बात है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करूंगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 20 अप्रैल को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,980 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,980 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 68,600 रुपए था। वहीं राजधानी पटना में पेट्रोल के दाम 93.73 रुपए प्रति लीटर थे। वहीं डीजल का दाम 85.56 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है असलम राज, ओमकार सिंह, शबनम कुमारी, सौरभ कुमार, संदीप ओझा, बबलू कुमार, ललन कुमार, राहुल भारती, अखिलेश यादव, कुमुद कुमार, अमर कुमार, मनीष कुमार, ऋषि कुमार, राजीव रंजन, शंभु शर्मा, सरताज सुभानी, मुकेश कुमार, नीतीश कुमार, राजेश कुमार, जितेंद्र पासवान, पवन गुप्ता। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार अन्य राज्यों की तर्ज पर बिहार में कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए क्या लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।